जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पटवार का रिजल्ट आ चुका है और जो कैंडिडेटों का अच्छा स्कोर हो रहा है, उन सभी को, जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर पास हो गए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और जिनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ, देखो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर वैकेंसियों की संख्या कम थी, फॉर्म की संख्या ज़्यादा थी, तो सभी के सभी पास हों ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फेल होना बिल्कुल कंपलसरी है यहाँ पर भी, ठीक है। और जो कैंडिडेट बहुत अच्छी मेहनत किए थे, वो पॉइंटों से रह गए हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोर की सोच रहे थे, किसी कारणवश उनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, तो भाई लोगों तुम हताश मत हो, क्योंकि भगवान हो सकता है हमें कुछ और भी अच्छा देना चाह रहा हो। भगवान सोच रहा हो भाई तू इसके लायक नहीं, तेरे को और भी अच्छा चाहिए, तू और भी अच्छे के लायक है, ठीक है। और सबसे मैं स्पेशली बात बता दूं, आप तो केवल यहीं तक दुखी हो रहे हो, यहाँ पर दो गुना कैंडिडेटों को पास किया गया है, एक गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर भी फेल किया जाएगा, ठीक है ना, एक गुना कैंडिडेटों को अभी भी फेल किया जाएगा, तो उनका दुख तो आपके दुख से भी कहीं गुना ज़्यादा होने वाला है। भाई आपने तो ये सोचा था कि मैं पटवारी बनूंगा, यहाँ पर तो ये हो गया कि यार मैं पटवारी बन चुका, ऐसी फीलिंग आ गई। अब जो ये पास हो चुके हैं, इन सभी के फीलिंग आ गई कि मैं पटवारी बन चुका, लेकिन यहाँ पर भी आधे कैंडिडेट फेल होंगे अब भी, तो उनका दुख कैसा होगा, वो कितने दुखी होंगे जब वो फेल होंगे, आप ये खुद सोच सकते हो। तो उनका जो दुख है ना, आपके दुख से कई हजार गुना ज़्यादा होगा, और जायज सी बात है आधे यहाँ पर भी फेल होंगे। तो इसलिए मोटिवेट रहो, मेहनत करते रहो। जो कैंडिडेट मेहनत कर रहा है ना, उसके ऊपर कमेंट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो सक्सेस नहीं हो रहा, उसका कारण नहीं है। कोई आदमी मेहनत कर रहा है, वो सक्सेस नहीं है, नहीं हो पा रहा, किसी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहा है, किसी जगह वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो रेगुलर मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पर उसका जो सक्सेस न होने का कारण उसकी मेहनत नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत है। लेकिन ध्यान रहे, वो मेहनत कर रहा है, कभी भी उसकी किस्मत साथ दे सकती है और कभी भी वो बहुत टॉप लेवल पर पहुंच सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इस कटऑफ का एनालिसिस कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखो, कैटेगरी वाइज मैं कटऑफ बता देता हूँ किस तरीके से क्या गई थी। जनरल, जेंट्स की, फीमेल, डाइवर्स, इन सभी की यहाँ पर मैं कटऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ, आपके सामने है बिल्कुल सारी सारी चीज़ें, और एक एक कैटेगरी वाइज मैं बताता चलता हूँ। जनरल की 220, फीमेल की, जेंट्स की 220, फीमेल की 210, विधवा की 121, डाइवर्स की 185। EWS में जेंट्स की 210, फीमेल की 198, विधवा की 105 और डाइवर्स की 182। SC में मैं बात करूं तो SC में जेंट्स की 191, फीमेल की 177, विधवा की 170 और तलाकशुदा की 170 और विधवा की 176। उसके बाद मैं ST की बात करूँ तो जेंट्स की 187, फीमेल की 177 और इसके अलावा जो तलाकशुदा है उनकी 141 और जो विधवा है उनकी 63। फिर मैं थोड़ा आगे बात करूँ OBC के बारे में, तो OBC की देख लो प्यारे साथियों, OBC में जो जेंट्स हैं उनकी 219, फीमेल की 204, जो विधवा हैं उनकी 178 और जो तलाकशुदा है, जो विधवा है उनकी 105 और जो तलाकशुदा है 178 है। ये विधवा और तलाकशुदा में थोड़ा सा पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जेंट्स की 219 है, फीमेल की 204 है, जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा है उनकी 178 और जो विधवा है उनकी 105 है, ठीक है। अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। MBC में जो तलाकशुदा है, डाइवर्स लेडीज़ हैं जो, उनकी 156 है, जो विधवा हैं उनकी 90, जो फीमेल हैं उनकी 180 है और जो जेंट्स हैं उनकी 205 है। इसके अलावा SAH की बताऊँ तो जेंट्स की 75 है, फीमेल की 60 है, विधवा की 19 है और जो डाइवर्स तलाकशुदा है उनकी 44 है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो निःशक्त जन हैं उनकी 196 है, एक्स सर्विसमैन की 135 है और स्पोर्ट्समैन की 155 है। तो इस तरीके से ये कटऑफ थी, दो गुना को यहाँ पर पास किया गया और यहाँ पर दिखाया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से होने वाला है यहाँ, तो आप अपना नॉर्मलाइजेशन देख सकते हैं आपका, कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या मार्क्स होने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया किस तरीके से करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन
का स्कोर है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा कि आपका कितना क्या स्कोर हो रहा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया शिफ्ट वाइज, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फोर, ठीक है, मीन निकाला है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है। मीन में कुछ इस तरीके से स्कोर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ये वाली शिफ्ट थी ना सबसे ईजी थी, ठीक है, और इसके अलावा जो ये वाली शिफ्ट है ना वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या है? सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो जो कैंडिडेट इस वाली शिफ्ट में थे ना उनका स्कोर बहुत कम होगा, ठीक है, यहाँ पर उनका स्कोर कम होगा। नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर कटेंगे और इनके नंबर बढ़ेंगे। तो जो कैंडिडेट शिफ्ट फर्स्ट में था जिनका पेपर 23 तारीख को हुआ था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, इन सभी कैंडिडेटों के नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरी साइड में बात करूँ शिफ्ट सेकंड में, तो शिफ्ट सेकंड जो शिफ्ट फर्स्ट की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, तो सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेटों के भी नंबर बढ़ेंगे लेकिन उनके फर्स्ट शिफ्ट वाले की तुलना में कम नंबर बढ़ेंगे। तीसरी शिफ्ट की बात करूँ तो तीसरी शिफ्ट में जो कैंडिडेट थे उनका जो तीसरी शिफ्ट थी वो पहली और दूसरी की तुलना में कम डिफिकल्ट थी, लेकिन चौथी वाली शिफ्ट की तुलना में डिफिकल्ट थी। तो इनके भी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे लेकिन पहली और दूसरी शिफ्ट की तुलना में कम बढ़ेंगे। और जो चौथी शिफ्ट है ना ये सबसे इजी शिफ्ट थी, तो यहाँ पर ओवरऑल सभी के मार्क्स कम होंगे, घटेंगे। तो अब ये नंबर कितने घटते हैं यहाँ पर आप अंतर देख सकते हो, 86 और 108 दोनों में अंतर देखो कितना है, 96 106, टोटल 22 का अंतर आ रहा है, 22 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में नंबर्स की कमी हो सकती है, ये बिल्कुल जायज़ सी बात है क्योंकि बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कुछ इस हाल भी होने वाला है, नंबर घटेंगे लोगों के। तो इस वाली शिफ्ट के नंबर घटेंगे, इस वाली शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, वहाँ पर किस तरीके से नंबर घटते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, तो उसको प्लीज़ एक बार जरूर देखना। आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे बढ़ेंगे इसका जो डाउट है ना वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार इस नॉर्मलाइजेशन को जरूर देखें। अब यदि मैं बात करूँ कि यहाँ पर ओवरऑल मेरिट लिस्ट कितनी जाएगी, तो ध्यान रहे नॉर्मलाइजेशन होगा अभी तो कम से कम 10 नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे अभी तो, ठीक है। जो ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी ना उसमें इसमें 10 नंबर का तो अंतर रहने वाला ही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, 10 नंबर तो लेके चलो कम से कम, क्योंकि अब ये 2 गुना ही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी कोई ऐसी वैकेंसी है नहीं राजस्थान में फिलहाल में जिसका अभी हाल ही में रिजल्ट आने वाला हो कि चलो लोग यहाँ ज्वाइनिंग नहीं करेंगे वहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेंगे, क्योंकि ग्राम सेवक का भी अभी रिजल्ट नहीं आने वाला, SI का भी अभी रिजल्ट आने वाला नहीं है, RS का भी अभी रिजल्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को जहाँ तक लगता है जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन लेगा वो इसी नौकरी में रहेगा, ठीक है, वो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरी किसी वैकेंसी का जो अच्छी वाली हो इससे बड़ी हो और उसका यदि फिलहाल में रिजल्ट आने वाला होता तो लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में ऐसा लग नहीं रहा कि किसी दूसरी वैकेंसी का रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर कोई छोड़ने वाला नहीं है, सारे के सारे ज्वाइनिंग लेंगे। तो इसलिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें बहुत अच्छा खासा डिफरेंस रहने वाला है। तो ये था सारा का सारा कंक्लूजन। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट कितनी जा सकती है इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से अच्छे से आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, कैसे होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाला है, उसको प्लीज़ ज़रूर देखें सभी के सभी। और हाँ, यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, ठीक है, आप तो लग चुके हो लेकिन जो आधे कैंडिडेट बचे हुए हैं या फिर जो लग भी चुके हैं, क्योंकि अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सपना नहीं है कि केवल पटवारी बन के ज़िंदगी निकालें, ठीक है। आपको भी पता है कि पटवारी बहुत हाई लेवल की पोस्ट नहीं है, इससे ऊपर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है। तो यदि आपका सपना है लाइफ में कुछ करना, कुछ अचीव करना, कुछ बड़ा बनना, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी से अपडेट रहना पड़ेगा। और वैकेंसी से अपडेट रहना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, हर एक वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए क्या है, आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए, कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नई खबर आए तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखूँ। बाकी इस वैकेंसी के संबंध में कोई भी नई खबर निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखूँगा। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।